हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ हिना पाउडर हेयर मास्क, जो कि आई एम श्योर एवरीवन नोस। तो उसमें मैं कुछ चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाली हूँ एंड आई शो यू द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। आप क्या क्या ऐड कर सकते हो एंड मैं क्या क्या ऐड करती हूँ दैट आई एम गोना शो यू एंड हाउ यू कैन अप्लाई। खुद से ही आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, आज के वीडियो में ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एंड हिना, एज वी नो, हिना नेचुरल है, तो हिना पाउडर मास्क से बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखना एंड अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। यहाँ पे मैं VLCC का हिना पाउडर ले रही हूँ एंड देन आई एम एडिंग टी लीव्स वाटर। मैंने ऑलरेडी भिगो के रखा था तो यही ऐड करने वाली हूँ। इससे काफ़ी सुंदर हेयर कलर टर्न होगा एंड या फिर आप कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हो एंड इफ़ यू हैव आंवला देन उसको भी बॉइल करके आंवला वाटर ऐड कर सकते हो नाइट में भिगोने के टाइम। एंड मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड देन आई कीप इट फॉर ओवरनाइट। ओवरनाइट रखना है, कुछ भी ऐड नहीं करने वाली हूँ मैं, जस्ट टी लीव्स वाटर एंड हिना पाउडर पेस्ट बना के मैं रख दूँगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। आप कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो या फिर आप एग्स भी ऐड कर सकते हो, कर्ड भी ऐड कर सकते हो, आपको जो सूटेबल है वो ऐड कर सकते हो एंड देन पेस्ट रेडी है। अच्छे से मिक्स करना है फिर से हमको। इफ़ यू नीड वाटर कंसिस्टेंसी देखना है कि थिक हुआ है, अगर ज़्यादा थिक भी नहीं लगाना है। सो आई थिंक आई नीड टू ऐड थोड़ा पानी, तो मैं पानी ऐड करके My hair mask is ready. Before applying anything on your hair, make sure to tangle free and साफ बालों पे ही apply करना। आप जो भी लगा रहे हो, mask हो या कुछ भी हो, आप जो भी apply कर रहे हो तो make sure साफ बालों पे ही लगाना। And don't forget to wear hand gloves. तो मैं ऑलरेडी हूँ। आप दो सेक्शंस डिवाइड करके भी कर सकते हो हेयर को, बट मैं बीच से लूँगी, थोड़े थोड़े सेक्शंस लेके बीच से मैं लगाऊँगी। हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ हिना फॉर हेयर, एडवांटेजेस भी आप बोल सकते हो। सो हिना बूस्ट योर हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है हिना मास्क। सेकेंड पॉइंट्स आई कैन से इट कैन हेल्प रिड्यूस हेयर फॉल, हेयर फॉल के लिए भी काफ़ी कंट्रोल करता है एंड इट आल्सो कंडीशनिंग योर हेयर, कंडीशनिंग के लिए भी अच्छा है एंड इट कैन हेल्प प्रिवेंट डैंड्रफ, डैंड्रफ के लिए भी हेल्प करता है। यू जस्ट नीड टू अप्लाई ऑन योर स्कैल्प एंड इट विल प्रिवेंट योर डैंड्रफ एज वेल। सो इट ऑल्सो कैन कंट्रोल स्कैल्प इचिनेस, जो भी आपके स्कैल्प में इचिनेस है वो भी कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर स्प्लिट्स एंड्स, मैंने सुना है स्प्लिट्स एंड्स के लिए भी वर्क करता है, बट आई डू नॉट हैव स्प्लिट्स एंड्स, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका। जो हमारे स्कैल्प में pH एंड ऑयल प्रोडक्शन होता है उसको भी बैलेंस करता है एंड इट ऑल्सो नरिश योर स्कैल्प एंड हेयर। काफ़ी सारे बेनिफिट्स एडवांटेजेस है हिना के, हिना मास्क के, तो आप ट्राई कर सकते हो। हम ऑलमोस्ट डन, कुछ थोड़े सेक्शन से बाकी है उसमें भी लगा लूँगी एंड देन मैं जस्ट 1 आवर के लिए रख दूँगी। मेक श्योर आप मोर देन 2 आवर्स तक मत रखना, 1 आवर या 2 आवर्स तक ओके है, बट डोंट कीप मोर देन 2 आवर्स। आई विल नॉट सजेस्ट यू गाइज टू कीप मोर देन 2 आवर्स। हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ हिना फॉर हेयर। ऐसा नहीं है कि बेनिफिट सिर्फ ही है, कॉन्स ऑफ हिना भी है। द ओनली वन डिसएडवांटेज इज शॉर्ट ऑफ ड्राइंग, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो डू नॉट कीप मोर देन 2 आवर्स। ज़्यादा देर तक, जितना देर तक रखेंगे उतना ड्राइनेस का प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, सो प्लीज़ केयरफुल दैट वन।
So you have to ensure that you employ a deep conditioning treatment after applying henna. Here I am done. Now I'll keep for 1 hour. 1 hour तक रख दूँगी. उसके बाद मैं सिर्फ पानी से वॉश कर लूँगी. मैंने 1 hour तक रखा एंड देन उसके बाद वॉश कर लिया है. आई डिडंट यूज़ एनी शैम्पू या कंडीशनर मैंने यूज़ नहीं किया है एंड आपको भी यूज़ नहीं करना है सेम डे. नेक्स्ट डे आप वॉश करना कंडीशनिंग या एंड शैम्पू से. बट उससे पहले आपको हेयर ऑयलिंग करना है एंड ओवरनाइट रखना है सो दैट एज आई टोल्ड यू कि हिना जब हम लगाते हैं हिना मास्क तो हमको बहुत ही अच्छे से कंडीशनिंग ट्रीटमेंट देना होगा. तो इसीलिए ओवरनाइट ऑयलिंग करना एंड देन नेक्स्ट डे वॉश करना. सो या ऑल द बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे रेगुलर करते रहोगे तो. आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.